नमस्कार दोस्तों, CMLCA GS क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको संख्या 3 से संबंधित जितने भी जीके GS प्रश्न बनते जो SSC रेलवे में एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो मैं शुरू करता हूँ संख्या 3 से कौन कौन सा प्रश्न बनते, ठीक है दोस्तों। तो शुरू देखिए संख्या, इस वीडियो में जितना भी बताऊँगा संख्या 3 से संबंधित प्रश्न देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। संविधान का भाग 3 में किसकी चर्चा है? तो संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार क्या, मौलिक अधिकार किस देश से लिया, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया, ध्यान रखिएगा। नियंटोलॉजी में क्या कहते हैं, नवजात शिशु के जो 3 माह का अध्ययन किया जाता है किसमें, नियंटोलॉजी में, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय सेवा वर्तमान में कितना है, तो अखिल भारतीय सेवा अगर वर्तमान में पूछे तो 3 है कि कौन कौन, IAS, IPS और IFS, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में कितने बार लागू हो चुका था, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लागू हो चुका, पहली बार जो 1962 में हुआ था, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहाँ समझिएगा दोस्तों, ये सभी प्रश्न संख्या 3 से संबंधित है ना। देखिए बुद्ध धम्म और संघ तीनों मिला के क्या कहलाए, तो बुद्ध धम्म और संघ तीनों मिलके त्रिरत्न कहलाए, इस पे नज़र रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऋग्वेद में यमुना नदी की चर्चा कितने बार है, तो ऋग्वेद में यमुना नदी की चर्चा कितने बार है, 3 बार है, ध्यान रखिएगा। अब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में नहीं मिलती है, तो यमुना नदी है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद में गंगा नदी की, यमुना नदी की चर्चा कितनी बार है, 3 बार, ध्यान रखिए। अब भारत की सबसे लंबी पूछे ना तो गंगा नदी है, लेकिन सीधा पूछे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, तो याद रखिए यमुना। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इसकी जो सीमा है वो 3 देशों के साथ लगती है, कौन सा देश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल की जो सीमा है ना वो कितने देशों के साथ लगती है, 3 देशों के साथ, समझ में रखिए, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरे देखिए क्रिकेट खेल में तीसरे अंपायर का नियम आया, और तीसरे अंपायर के नियम का प्रथम शिकार कौन से बल्लेबाज हुआ था, तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा। जो तीसरे अंपायर का नियम का शिकार हुआ था वो कोई इंडिया के ही खिलाड़ी थे, पर कौन, सचिन तेंदुलकर, ध्यान रखिएगा। और मानव के त्वचा में कितने लेयर होते हैं, तो अगर पूछे त्वचा में कितने लेयर होते हैं, 3, और त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी समझिएगा भारतीय रुपया का अवमूल्यन अभी तक कितने बार हुआ, तो भारतीय रुपया का अवमूल्यन पूछे ना तो अभी तक कितने बार हो चुका है, 3 बार, ध्यान रखिएगा। पहली बार हुआ था 1949 में, दूसरी बार 1966 ईस्वी में और तीसरी बार 1991 ईस्वी में, याद रखिएगा। देखिए 3 समुद्र का विजेता किसे कहते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी को 3 समुद्र का विजेता कहते हैं, इस पर भी ध्यान रखिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी, तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत पूछे ना तो बतस राज ने किया था। और समझिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, कौन, तेज बहादुर सपरू और भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सपरू और भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, नज़र रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, यानी कक्ष होते हैं, तो मेंढक के हृदय में पूछे ना तो 3 चैम्बर या कक्ष होते, नज़र रखिएगा। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं, नज़र रखिएगा। और इस क्वेश्चन को तो भूलिएगा नहीं दोस्तों, पूछेगा भारत में कितनी नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र से बाहर है, तो दोस्तों भारत की 3 नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र से बाहर है, वो कौन कौन सा नदी है, लेकिन तो उसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चिमटा और मनुष्य का हाथ और किसान का हल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, चिमटा और मनुष्य का हाथ और किसान का हल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना पूछे कौन सी मॉडल पे, तो सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पे, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे है, तो सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पे है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किसने शुरू किया, तो कुतुब मीनार का कार्य का शुरू किसने किया,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का जो निर्माण किसने किया, इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन यहाँ समझने योग्य बातें हैं कि कुतुब मीनार की तीसरी मंजिल तक ही इल्तुतमिश ने निर्माण किया। तो पूछता है कुतुब मीनार की तीसरी मंजिल का निर्माण किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। लेकिन कुतुब मीनार की पाँचवीं मंजिल का निर्माण किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने, उस पर नज़र रखिएगा। पेरिहिलियन कब मनाते हैं, तो 3 जनवरी को पेरिहिलियन मनाया जाता है, नज़र रखिएगा दोस्तों। सभी प्रश्न संख्या 3 से संबंधित है ना। अब पूछे ऋग्वेद में यमुना नदी की चर्चा कितनी है, 3 बार, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका। क्षेत्रफल में, विश्व में क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पे कौन सा देश है, तो अमेरिका। देखिए क्षेत्रफल में रुक जा यूएसए, चीन, तो पहला रूस, कौसे कनाडा, और तीसरा में क्षेत्रफल में पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा में अमेरिका है, ध्यान रखिएगा। और इरकी और इरकी पुछल तारा कितने साल के बाद दिखाई देता है, इरकी या इरकी एक पुछल तारा है जो कितने साल के बाद दिखाई देता है, तो 3 साल के बाद, ध्यान रखिएगा। रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार अभी तक कितने बार मिल चुका है, तो रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार 3 बार मिल चुका, उस पर भी ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति, महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ, 1 मई 1960 में, और महाराष्ट्र में अभी तक राष्ट्रपति शासन जो 3 बार लग चुका, कब, पहली बार 1980 में, दूसरी बार 2014 में, और तीसरी बार 2019 में। तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन अभी तक कितने बार लगा है, 3 बार, पहली बार 1980, 2014 और 2019 में। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बता दिया। ये सभी प्रश्न संख्या 3 से संबंधित था, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आवे तो आप लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।